सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित इस शहर को उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कानपुर शहर अपने सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, बिस्कुट बनाने के कारखाने तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कानपुर के इतिहास पर नजर डाले तो कहा जाता है कि इस शहर का नाम सोमवंशी राजपूतों के राजा काना सोम से आता है, जिनके वंशज काना वंशी कहलाए। सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में मेरठ के साथ साथ कानपुर भी शामिल था। नाना साहब की अध्यक्षता में कानपुर के वीर सपूतों ने हजारों अंग्रेजों को मौत घाट उतार दिया था, जिसमें कई भारतीय वीर शहीद भी हुए थे, जिनकी वीरता की गाथा आज भी कानपुर शहर के लोग गाते हैं। दोस्तों, कानपुर शहर अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ घिरा हुआ है, जिसमें कन्नौज जिला, हमीरपुर जिला, उन्नाव जिला, फतेहपुर जिला और हरदोई जिला। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कानपुर शहर 3000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर वहीं आबादी की बात करें तो कानपुर की जो कुल आबादी है वो 45,81,000 है। इस 45 लाख में 76% हिंदू तथा 20% मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा 1% जैन धर्म के लोग भी कानपुर में रहते हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से कानपुर शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, रेल मार्ग। कानपुर शहर में कुल 9 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें कानपुर सेंट्रल, रावतपुर रेलवे स्टेशन, पनकी धाम रेलवे स्टेशन, कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, चकेरी, गोविंदपुरी, कानपुर वुड्स मार्शल हॉट, कानपुर ब्रिज और कानपुर अनवरगंज। परंतु इन सभी रेलवे स्टेशनों में से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन कानपुर ही नहीं बल्कि भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टेशनों की सूची में आता है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड CNB है और इस रेलवे स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म तथा 28 ट्रैक मौजूद है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, कानपुर झांसी मुंबई लाइन, कानपुर टुंडला आगरा लाइन, कानपुर डलमऊ प्रयागराज लाइन पर स्थित है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत आता है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के माध्यम से राप्ती सागर एक्सप्रेस, टाटा नगर एक्सप्रेस, अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पनवेल एक्सप्रेस, चौरी चौरा एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस जैसे कई रेलगाड़ियां इस कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के माध्यम से होकर गुजरती हैं, जो कि आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। नंबर 2, सड़क मार्ग। कानपुर शहर सड़क के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। कानपुर शहर के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2 जो कि इसे दिल्ली, आगरा, प्रयागराज और कोलकाता से जोड़ती है और नेशनल हाईवे संख्या 25 जो कि लखनऊ, झांसी और मध्य प्रदेश से जोड़ती है। इसके अलावा इस शहर में और भी कई सारे छोटे बड़े सड़क बाईपास मौजूद है जो कि देश के विभिन्न कोनों तक जाते हैं। इसके अलावा कानपुर में स्थित झगरकट्टी बस अड्डा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बस अड्डों में से एक माना जाता है, जहां लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर आदि शहरों के लिए नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर 3, हवाई मार्ग। कानपुर में स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट जो कि चकेरी में मौजूद है, ये यहां का मुख्य एयरपोर्ट है, जहां से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों तक नियमित एयरलाइंसों के द्वारा हवाई मार्ग की सुविधा प्रदान की जाती है। यहां से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, कानपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कानपुर शहर में कई से घूमने के स्थान हैं जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा खास घूमने का स्थान है जो कि कानपुर शहर में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इलियास की स्टोरी, जिस पर मैं क्राइम की कहानियां सुनाता हूं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है इलियास की स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं खूबसूरत पर्यटक स्थल के बारे में। नंबर 1, एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर। सन 1971 में खुला यह चिड़ियाघर देश के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में से एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। यहाँ पर लगभग 1250 जानवर है। कुछ समय पिकनिक के तौर पर बिताने और जीव जंतुओं को देखने के लिए यह चिड़ियाघर एक बेहतरीन स्थान है। इस चिड़ियाघर में मिनी ट्रेन द्वारा विद्युत रिक्शा भी चलता है, जहाँ पर दूर दूर से जो पर्यटक है वो घूमने के लिए
यहाँ पर आते हैं। एलन फॉरेस्ट जू कानपुर शहर के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर दो, राधा कृष्ण मंदिर। यह मंदिर जेके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरती से बना यह मंदिर जेके ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन और आधुनिक शैलियों से निर्मित यह मंदिर कानपुर आने वाले लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर मूल रूप से श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। इसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण नर्मदेश्वर तथा श्री हनुमान जी को भी यह मंदिर समर्पित है। राधा कृष्ण मंदिर हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। यहाँ का जो सबसे नजदीक में रेलवे स्टेशन है वो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप श्री राधा कृष्ण मंदिर जा सकते हैं। नंबर तीन, ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित 32,000 दर्शक क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय मैदान है। यह स्टेडियम उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का गृह मैदान भी है। गंगा नदी के किनारे पर स्थित यह मैदान 22 सितंबर 2016 को भारत और न्यूजीलैंड के मध्य टेस्ट मैच आयोजित कर भारत क्रिकेट टीम के 5वें टेस्ट मैच का गवाह बना था। अब तक ग्रीन पार्क स्टेडियम में 22 टेस्ट, एक दिवसीय मैच, 14 T20 तथा कई IPL के मैच भी खेले जा चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा नाना राव पार्क, कानपुर मेमोरियल चर्च और भी कई सारे खूबसूरत धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हैं जिसकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर शिक्षा की बात करें तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर माना जाता है जो कि शिक्षा के स्थान में पहले सूची पर आता है। यहाँ पर कई ऐसे पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं जो कि भारत के विभिन्न कोने से बच्चों को अपने पास बुलाने में सक्षम है। दूर दूर से बच्चे कानपुर शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व संस्थान के नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कल्याणपुर, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज, PPH महाविद्यालय, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सभी स्कूल व कॉलेज इसी कानपुर शहर में मौजूद हैं, जो कि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो इस शहर में कई ऐसे उद्योग मौजूद हैं जिसमें चीनी मिल, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, बिस्कुट बनाने के कारखाने तथा चमड़ा उद्योग। ये सभी उद्योग कानपुर शहर के मुख्य व्यवसायों में से एक है जो कि लोगों को रोजगार देते हैं। इसके अलावा कानपुर का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि भी है। यहाँ पर गंगा नदी के तराई क्षेत्र में बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ है और धान, गेहूं, गन्ना, मक्का कानपुर शहर की मुख्य फसलें हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कानपुर शहर के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।